अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका? ठीक हो? मैं गुलगुल्ली भी ठीक है। मामा ने नया नाम रख दिया है, मेलोडी। हाँ, सबसे पहले तो भाई हमने अपने हाशिर बेबी को सॉरी करना था। मामी हाशिर का नाम लेना भूल गई थी भाई। सबसे पहले तो हाशिर बेबी को सॉरी, मामी हाशिर का नाम लेना भूल गई थी। सॉरी हाशिर, ईशा का कोई कज़न नहीं है, ईशा का एक ही कज़न है ना? हाँ, ईशा भी सॉरी कर रहा है हाशिर को, मामा की तरफ से भी सॉरी। हाँ, मामा भूल गई थी ना हाशिर का नाम लेना। हाशिर माई फूफ, पारी सी फूफो का बेटा, चौथुचा हाशिर है। हैं, अभी तो हम नहीं दिखा सकते, जब हाशिर पाकिस्तान आएगा ना फिर हम आप लोगों को अपना हाशिर दिखाएंगे। बाकी बाकी सॉरी पोपो। आज मेरा दिल था पराठा रोल बनाने का, मैंने सोचा ग्रॉसरी करके आती हूँ, और यकीन माने ये चार चीज़ें इतनी कॉस्टली आई हैं। मैं कहती हूँ इससे अच्छा बाहर से मंगवा के खा लें। चीज़ मैंने मालमो की ली है, बिकॉज इनकी चीज़ एक तो बहुत अच्छी है, दूसरी इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। मुझे चैडर चीज़ भी 1300 की नहीं, चैडर 1300 की थी, और मोज़रेला मुझे मिली है 1500 की। बाकी ये सारी चीज़ों की प्राइस आपको पता होगी, तो मैंने सोचा मैं ख़ुद भी ट्राई करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर अच्छा बना तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं ईसा के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, साथ में आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप भी अपने बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा। मैंने एक पोटैटो बॉयल किया था, तो अब मैं इसको मैश करूँगी, फिर मैं इसमें बटर ऐड करूँगी, और फिर हम इसको ईसा को खिलाएँगे। बटर मैं गरम करके ऐड कर रही हूँ, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था। अच्छी तरह मैश करने के बाद मैंने डाल दिया इसको स्पेसिफायर में। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और मैंने ईशा को कुछ भी खिलाना होता है तो मैं इसी में डाल कर देती हूँ। एक तो गंदा भी नहीं होता, दूसरा बच्चा अपनी मर्जी से खाता रहता है। ईसा तो मज़े से अपना मील इंजॉय कर रहा है, हम अपना मील बनाते हैं। तो हाफ़ के जी चिकन मैंने ले लिया है, चिकन फ्रीज़ है, तो पहले मैं इसको बॉईल करूँगी। जब तक ये बॉईल होता है तब तक मैं बाकी चीज़ों की कटिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने चिकन ऐड किया है, और अब मैं इसमें डालूँगी ब्रोस्ट मसाला। आप कोई भी मसाला यूज़ कर सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैंने सोचा मैं यही ऐड कर लेती हूँ। और इसके अलावा मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, अपनी मर्ज़ी से ऐड करें, जो मर्ज़ी जो दिल करता है ऐड करें, बस थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से जो भी कहते हैं वो कर लूँगी। जब तक चिकन रेडी हो रहा है मैं जाती हूँ बाहर सलाद के पत्ते तोड़ने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हमने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, सैलेड की तमाम चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, आपको जो चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं सलाद के पत्ते तोड़ लेती हूँ, बिकॉज वो पराठा रोल में ऐड होंगे, और देखें कितने फ्रेश हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अपने घरों में लगानी चाहिए, हर छोटी चीज़ के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। अगर ये चीज़ें हम घर में लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा है, देखें एकदम फ्रेश है। और थोड़े से और तोड़ लेते हैं, खुशी खुशी में मेरा दिल कर रहा था मैं सारे तोड़ लूँ, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं थी। बाकी ये देखें, तन तना, फाइनली सारी चीज़ें रेडी हैं। फ्रोज़न पराठा मैंने फ्राई कर लिया, चिकन जो मैंने आपके साथ रेडी किया था, और ये सॉस मैंने बहुत सारे सॉसेस मिक्स करके रेडी किया है, और बाकी ये फ्राइज अनियन चीज़ अब हम क्या करते हैं इसको मैनेज करते हैं।
सो फाइनल लुक इज़ टू यमी। मुझे तो बहुत मज़े का लग रहा है, बाकी खाऊंगी तो पता चलेगा कि कैसा बना है। उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। चलें आप इसको रैप करते हैं, रैप अच्छे से कीजिएगा, कभी कभी हम गलत रैप कर देते हैं जिसकी वजह से सब कुछ गिर जाता है। ता-ना, मीट माय न्यू फ्रेंड्स। स्पाइसेस थोड़े कम थे, बाकी ओवरऑल टेस्ट अच्छा था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इतने गौर से ईसा को ना देखें, ईसा ऐसी चीज़ें नहीं खाता, वो बस मैं ईसा को खुश कर रही थी। और वो बहुत खुशी से खा रहा है। बाकी उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वह प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।